हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आरके सिंह और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा चैनल ट्रांसेंड फिजिक्स। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं वेक्टर के रिजोल्यूशन पे। ठीक है फ्रेंड्स, ज़्यादातर लोग सोच रहे होंगे कि आज नया क्या हो सकता है। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर तो बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, इसमें हम किसी वैक्टर को रिजॉल्व करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि किसी वैक्टर को हम लोग जिस जनरल तरीके से रिजॉल्व करते हैं उसमें कुछ नया भी जोड़ा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं कैसे, और इसी एप्लीकेशन को हम लोग आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में भी अप्लाई करेंगे जो हम लोग को आगे बहुत काम आएगा। ठीक है, तो चलिए सपोज कीजिए मैं आपको इसको समझाने का एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ। मान लीजिए मेरा एक वेक्टर है आर। ठीक है, ये हमारा एक वेक्टर है, और अगर आपको किसी ने कहा कि इस वेक्टर को आप रिजॉल्व कीजिए तो हम लोग के दिमाग में तुरंत वेक्टर का रिजॉल्व करने का एक सिंपल आइडिया जो हमें आता है वो हमें ये लगता है कि इस वेक्टर का एक कंपोनेंट ये होगा और एक कंपोनेंट ये होगा, है ना। ये हमारे दिमाग में आता है, ठीक है, क्योंकि ये वेक्टर और ये वेक्टर को उठा के आप रखोगे तो ये वेक्टर आपको रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर देगा। मतलब इस वेक्टर आर को के दो कंपोनेंट है, एक्स कंपोनेंट, इसको आप लोग कहते हो एक्स कंपोनेंट। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हम लोग कहते हैं एक्स कंपोनेंट और इसको हम लोग कहते हैं वाई कंपोनेंट। तो ज्यादातर लोग यही करते हैं कि वेक्टर, किसी वेक्टर को जब रिजोल्व करते हैं तो उसके एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट में फोकस करते हैं। मान लीजिए कि एक्स कंपोनेंट के साथ एंगल बन रहा अल्फा, तो ये कंपोनेंट के साथ आपका एंगल बनेगा 90 माइनस अल्फा। ठीक है, और आप ध्यान से देखिए, अगर ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड मान लीजिए आपका आर है तो ये कंपोनेंट को हम लोग लिखते हैं आर कॉस अल्फा, है ना फ्रेंड्स, ये हमारा जनरल है। जबकि वाई कंपोनेंट को जो हम लोग लिखते हैं वो हम लोग क्या लिखते हैं फ्रेंड्स, तो देखिए ये आर है, तो चूंकि ये आर कॉस अल्फा है, जहां से अल्फा अटैच होता है वो आर कॉस अल्फा होता है, जो उसके अपोजिट में ये परपेंडिकुलर सेक्शन है, इसलिए हम लोग फ्रेंड्स इस कंपोनेंट को लिखते हैं आर साइन अल्फा। ये बहुत ही जनरल और बेसिक तरीका है। लेकिन जरा सोचो फ्रेंड्स, अगर आपको किसी वेक्टर को किसी ने ऐसे दे दिया, सपोज कीजिए ये मेरा एक वेक्टर है, ठीक है, ये मेरा एक वेक्टर आर है, और मैं इस वेक्टर को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करना चाहता हूँ। बिल्कुल मैं करना चाहता हूँ, लेकिन इस बार फ्रेंड्स हमें क्या ध्यान देने वाली बात है, एक के साथ एंगल अल्फा है जबकि दूसरा कंपोनेंट कुछ ऐसा है। सो नाउ आई वांट टू रिजॉल्व दिस वेक्टर इनटू टू सेक्शंस। लेकिन यहाँ खास बात ध्यान देने वाली बात है, पिछले केसेस में क्या होता था, हमारा ये एक परपेंडिकुलर बनता था, जिसमें हम लोग क्या करते थे, इसको एक ट्रायंगल बनाते थे और हम लोग लिखते थे दिस इज आर, तो हम लोग इसको लिखते थे आर कॉस अल्फा, ये बेस, और ये लिखते थे हम लोग आर अल्फा। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखिए तो ये आपका परपेंडिकुलर नहीं है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, मतलब इस बार में किसी दो वैक्टर को, किसी वैक्टर को दो कंपोनेंट में रिजोल्व करने वाला हूं, जिसमें एक कंपोनेंट रिजोल्विंग वैक्टर के साथ, रिजल्टेंट वैक्टर के साथ अल्फा एंगल बनाएगा और दूसरा कंपोनेंट बीटा एंगल बनाएगा। और प्लस अगर यही अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री हो जाए, ठीक है, ये अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री हो जाए तो हमें ये केस मिलता है। मतलब ये इस जनरल सिचुएशन का एक केस है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग इसको कैसे हैंडल करेंगे ये हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इस गेम को समझते हैं। चलिए ध्यान से देखते हैं फ्रेंड्स, आप सबसे पहले ये देखिए कि इस वेक्टर को उठाइए। ठीक है, मैं क्या करने वाला हूँ, इस वेक्टर को उठाने वाला हूँ और इस वेक्टर के कंपोनेंट्स को यहाँ पे ड्रॉ करने वाला हूँ। ठीक है, तो इस वेक्टर को मैं उठाऊंगा और इसके कंपोनेंट्स को ड्रॉ करूंगा। इसके लिए मैं थोड़ा सा इस वेक्टर को एक्सटेंड करता हूं ताकि पिक्चर समझ में आ जाए। ठीक है, अब देखिए मैंने इस वेक्टर के कंपोनेंट को उठाया और यहां पे ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब पिक्चर पूरा मैच नहीं कर रहा है लेकिन फिर भी मोर और लेस लग रहा है कि सही है। ठीक है, तो बताइए अगर मैंने इसको उठा के रखा तो ये आपका अगर वेक्टर, ये आपका तो वेक्टर आर है, मैं मानता हूं ये उसका एक कंपोनेंट है और ये उसका दूसरा कंपोनेंट है। मैंने इस कंपोनेंट को पैरेलली उठा के रखा है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों किया सर, क्योंकि ये एक ट्रायंगल्स बन रहा है तो मैं ट्रायंगल्स ऑफ वेक्टर एडिशन से कह सकता हूं दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इज इक्वल टू दिस वेक्टर। लेकिन एक खास बात क्या है, ये और ये पैरेलल है। ठीक है, तो अगर ये एंगल बीटा है तो ये एंगल भी आपका बीटा होगा, है ना, क्योंकि पैरेलल लाइन का इंट्रोवर्सल ये है। ठीक है, तो चलिए ये अगर बीटा है ये भी बीटा होगा, तो देखिए ये अल्फा है ये बीटा है, तो ऑब्वियस सी बात है फ्रेंड्स ये वाला एंगल हमारा 180 डिग्री माइनस क्या होगा, अच्छा आप बताइए ये 180 डिग्री होगा, तो ऑब्वियस सी बात है फ्रेंड्स ये वाला एंगल हमारा होने वाला है पाई। ठीक है, ये एंगल हमारा होने वाला है पाई माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये हमारा जनरल है। ठीक है, अब आप सोचिए अगर मैं यहाँ पे साइन रूल यूज करूं, अगर आप थोड़ा भी साइन रूल जानते हो तो ये जो ट्राइंगल बना है हमारा, आप इस ट्राइंगल को कह सकते हो, इस ट्राइंगल को अगर आप ध्यान से देखो तो ये ट्राइंगल का हमारा ए है। ठीक है, ये ट्राइंगल का हमारा बी है और ये हमारा आर है। तो मैं ट्राइंगल रूल से कह सकता हूं ए बाई, ध्यान से देखिए आप, ए ये हमारा साइड है और ये उसका अपोजिट, साइन रूल से हम कह सकते हैं ये हमारा साइड है, ये उसका अपोजिट एंगल है, तो ए बाई साइन बीटा इज इक्वल टू
ध्यान से देखिए, ए बाई साइन बीटा इज इक्वल टू, मैं कह सकता हूँ बी बाई साइन अल्फा, ये मैं कह सकता हूँ बी बाई साइन अल्फा इज इक्वल टू, और आप ध्यान से देखिए ये हमारा आर है, तो मैं यहाँ लिखूंगा आर बाई साइन और पाई माइनस, तो देखिए साइन पाई माइनस, मैं यहाँ क्या लिखूंगा पाई माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये हमारा एंगल डिफरेंस, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं इसको रिजॉल्व करूं तो ए बाई साइन बीटा इज इक्वल टू बी बाई साइन अल्फा इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूं आर बाई साइन अल्फा प्लस बीटा, है ना फ्रेंड्स। देखिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट आने वाला है हमारा ये, और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैं इस इक्वेशन का यूज करके अपने वेक्टर को रिजॉल्व करके निकाल सकता हूं, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कैसे, ध्यान से देखिए, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए, अगर मैं ए निकालना चाहूंगा तो ए इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं आर बाई, ठीक है, ये देखिए इसका और इसके बीच का रिलेशन, तो ए इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं आर बाई साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन बीटा, ये मैं लिख सकता हूं, और मैं बी को लिख सकता हूं फ्रेंड्स, देखिए बी इज इक्वल टू, ठीक है, आर साइन अल्फा बाई साइन अल्फा प्लस बीटा, ये देखिए हमारा रिजॉल्व हो गया है ना। तो मतलब मैंने किसी भी वेक्टर आर को दो वेक्टर में रिजॉल्व कर लिया है, उसके मैग्नीट्यूड है ये, जिसमें कि इसका मैग्नीट्यूड है आर साइन बीटा बाई साइन अल्फा प्लस बीटा, और इसका मैग्नीट्यूड है आर साइन अल्फा बाई साइन अल्फा प्लस बीटा। क्या ये सही भी है या मुझे इसको चेक करने की जरूरत है? बिल्कुल मुझे इसको चेक करने की जरूरत होगी। तो आप ध्यान से देखिए, मैंने अभी क्या बताया था, ये हमारा वेक्टर आर था, ठीक है, और अगर आपको ये वेक्टर कर और ये वेक्टर निकालना, तो आप ट्रिक भी कर सकते हो, ये अगर अल्फा है तो आप यहाँ पे सिंपल लिख सकते हो आर, और देखो आप ध्यान से सुनो, नीचे लिखोगे आप साइन अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, और यहाँ भी आप लिखोगे आर बाई साइन अल्फा प्लस बीटा, लेकिन आप ध्यान से देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करो साइन अल्फा, इसका अपोजिट वाला, और अगर यहाँ निकालोगे तो यहाँ वाला एंगल मल्टीप्लाई करो साइन बीटा, ये इस तरह का ट्रिक है, ठीक है। लेकिन चलिए फ्रेंड्स, मुझे नहीं लगता कि आप ट्रिक पे ज्यादा विश्वास रखते हो, तो ये मैंने साइन रूल से लाया है। अगर आप जरा ध्यान से देखोगे तो आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट मिलेगा, मैं इसको जनरलाइज करने की कोशिश करूंगा। हम लोग अपना जो जनरल कंसेप्ट पढ़ते हैं उसमें, हम लोग उसमें क्या पढ़ते हैं, ये हमारा वेक्टर आर होता है, ये हम लोग को पढ़ाया जाता है अल्फा, है ना। तो अगर आप इस फॉर्मूले को यूज करो तो देखो, आप ध्यान से देखोगे मैं इसको यूज करूंगा तो ये अल्फा है और ये बीटा है जो हमारा काम कर रहा है ना। तो अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री जो हमारा जनरल है, तो देखो आप ये जनरल में रिड्यूस हो जाएगा, ए इज इक्वल टू आर तो हो जाएगा, साइन बीटा को आप लिख सकते थे 90 माइनस अल्फा, और साइन 90 माइनस अल्फा हो जाएगा कॉस अल्फा बाई, ये देखिए ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये हमारा रिजल्ट आया है ना फ्रेंड्स, ये हमारा जनरल है। जबकि बी का जो वैल्यू होगा हमारा अल्फा ही के टर्म में है, तो मैं लिख सकता हूँ आर साइन अल्फा बाई ये 1 होने वाला है। तो देखो फ्रेंड्स, ये हमारा जनरल टर्म में रिड्यूस हो गया, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं किसी वेक्टर को रिजॉल्व करना चाहता हूँ किसी भी एंगल में, तो बहुत ही सिंपल है, ये हमारा किसी वेक्टर का जनरल फॉर्मूला है। ध्यान से देखिए, तो अच्छा बताइए, ये जो ए है हम लोग, ये जनरल है आर बाई साइन अल्फा प्लस बीटा, ये जो साइन बीटा है ये बीटा वो एंगल है जो आर और बी के बीच का है, जबकि यहाँ बी में अल्फा वो एंगल है जो ए और आर के बीच का है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट और कंक्लूसिव रिजल्ट है, जो आपको बहुत काम आ सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे ठीक है सर, ये तो मुझे समझ में आ गया, इसमें और क्या नया चीज आप समझ सकते हो? तो नई चीज को समझने के लिए आप हमारे दूसरे वीडियो में बने रहिए।